एंड ये जो डीएसएलआर इफेक्ट है इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो फेस है वो हमेशा कैमरे के आगे रहना चाहिए, इट मीन्स कि आपका फेस हमेशा कैमरे के आगे ही रहेगा। एंड साथ ही में आपके साथ में अगर दो बंदे हैं तीन बंदे हैं तो वो लगभग आपकी साथ में खड़े हों, मतलब ऐसा नहीं है यार कि आप यहाँ पे खड़े हैं तीन आदमी पीछे खड़े हैं। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो मेरा जो हाथ है ना वो ब्लर हो गया है। आप खुद सोच के देखिए यार, कोई भी कैमरा अगर एक चीज़ पे फोकस करता है तो पीछे वाली चीज़ को ब्लर करता है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि DSLR इफेक्ट कैसे देती है मेरी वीडियो। जैसे ही मैं अपना फेस हाइड करूँगा इस वीडियो के अंदर से, तो आप खुद देख लेंगे कि मेरी वीडियो का जो टोटल इफेक्ट है ना वो पीछे की तरफ चला जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको ये वीडियो भी करके। तो देखिए मैं अभी यहाँ से हट रहा हूँ तो मेरा जो इफेक्ट है वो गायब हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, तो जैसा आपने अभी भी देख लिया होगा यार कि जैसे ही हम अपना फेस इसके अंदर डिटेक्ट करवाते हैं ना, वैसे ही हमारी जो वीडियो उसके अंदर DSLR लाइक इफेक्ट आ जाता है। तो गाइज मेरे को लगता है कि ये ट्रिक आपको काफ़ी अच्छी पसंद आने वाली है और ये ट्यूटोरियल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, एक ब्लॉगर हैं, आप कोई भी है ना, ये ट्रिक आपके लिए बड़ी ही कमाल की होने वाली है गाइज। क्योंकि यार मैं आपका टाइम वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारी बात बता सकूँ, आपको समझा दूँ कि आपका जो कैमरा है ना वो एक जगह पर फोकस करेगा, मतलब क्या तो मेरे चेहरे पर क्या पीछे। अगर मैं अपने चेहरे को हाइड करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे ही मैं चेहरे पर से हटाता हूँ मेरा बैकग्राउंड जो वापस ब्लर हो गया। और अगर आपका फ़ोन ओल्ड वर्जन है, अगर आपके फ़ोन में पोर्ट्रेट मोड नहीं है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो के नीचे कर दीजिए कमेंट और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपके सिंपल फ़ोन के अंदर भी पोर्ट्रेट मोड जैसी वीडियोस बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि यार अपनी वीडियो के अंदर हम पोर्ट्रेट मोड ला सकते हैं, आपको वीडियो स्किप करना नहीं है, फुल ट्यूटोरियल समझना है। तो क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं आपको वीडियो स्किप करने के लिए बता दूँ तो आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो बिल्कुल डेड हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आपकी वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जाने की ज़रूरत है प्ले स्टोर के अंदर और जो आपको अच्छा लगे ना, जो भी आपको अच्छा लगे ना, वो स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्रीन रिकॉर्डर, तो मेरे को यहाँ पे ये डाउनलोड कर लेना है। तो मैं उसके लिए नेट भी चला लेता हूँ, मैंने अपना नेट कनेक्शन ऑफ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर लिख के सर्च करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास जो हैं स्क्रीन रिकॉर्डर आ गए हैं और मैं आपको प्रेफर करूँगा DU स्क्रीन रिकॉर्डर, वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर आवर मोबाइल्स। गाइज इतना अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है, सब कुछ आपको फ्री में मिलता है और इतने बेहतरीन फीचर हैं जिसके आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको ऐसा नहीं है कि ये इंस्टॉल करते ही आपका काम बन गया, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेन सेटिंग करनी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आपको सबसे पहले इसको ऑन करना है, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद इसके सेटिंग्स में जाना है, वीडियो रिजोल्यूशन में 1080p कर देना है, 1080p, एंड वीडियो क्वालिटी में 12 Mbps एंड FPS के अंदर 60 FPS ये कर देनी है तीनों चीज़ें। वीडियो ओरिएंटेशन में आप इसको ऑटो रहने देंगे, रिकॉर्ड ऑडियो में भी आप इसको ऑन कर देंगे एंड वीडियो लोकेशन में आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको SD कार्ड में कर दीजिए, बिकॉज इंटरनल स्टोरेज जो है इतने ग्राफिक्स के साथ वो बहुत ज़्यादा जो है वीडियो की वो ले जाएगा, स्टोरेज ले जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली इसको कुछ परमिशन दे देनी है। अगर आपसे परमिशन मांगता है तो इट मीन्स आपको ये फ़ोन के अंदर अपने अच्छे से रन करवाना है। देन उसके बाद अगर आप एक यूट्यूबर है तो यार आप समझते भी होंगे कि DU स्क्रीन रिकॉर्डर किस काम आता है। उसके बाद आप आपके मोबाइल का कैमरा ऑन करेंगे। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो ट्रिक है ये केवल उन्हीं फ़ोनों में काम करती है जिनके अंदर पोर्ट्रेट मोड एक्टिवेटेड होता है। दूसरी बात यार, ये ट्रिक उन फोनों में भी काम कर जाएगी जिनमें पोर्ट्रेट मोड एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन उसके लिए तो यार आपको मेरे चैनल पर बना रहना पड़ेगा। उसके लिए मैं और मेहनत करूँगा, आपके लिए और भी अच्छी ट्रिक लेके आऊँगा। अभी आप मेरी इस वीडियो की क्वालिटी को भी देखकर भी बता सकते हैं कि मैंने काफ़ी अच्छी ट्रिक बनाने की कोशिश की है आप सबके लिए। वहाँ पर मेरा जो फेस था वो हल्का सा लाइट इसलिए हो रहा था, उस पर इतना वाइटनेस इसलिए आ रहा था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा धूप के अंदर खड़ा था, तो जो लेंस था वो मेरे चेहरे को अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था। अगर आपका DSLR होता तो वहाँ पर मैंने चेक किया हुआ है, DSLR भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा। तो आपके फ़ोन को आपको करना है पोर्ट्रेट मोड पे एक्टिवेट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट बुके मोड एक्टिवेट कर दिया है, अब मैं अपने फ़ोन का जो कैमरा है उसको इनेबल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो वीडियोस हैं उसके अंदर पोर्ट्रेट मोड एक्टिवेटेड हो गया है। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आप यहाँ पर DU स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
आप यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके रखी हुई है। मेरे को अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है एंड अपने फ़ोन को चलाना है, अपने फ़ोन का चलाना है कैमरा, उसको करना है बिल्कुल लैंडस्केप में और उसके अंदर करना है पोर्ट्रेट मोड एक्टिवेट और उससे हो जाना है दूर। एंड अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर बैकग्राउंड बड़े अच्छे से ब्लर है। एंड अभी मैं यहाँ पे माइक का भी यूज़ कर पा रहा हूँ बिकॉज़ अभी मैं सेल्फी की तरह मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ। एंड गाइस मेरे को लगता है कि लगभग ये जो बैकग्राउंड है यही आपको वीडियो में देखने को मिला होगा। बिल्कुल मैंने वीडियो की क्वालिटी मेंटेन करके रखी थी बिकॉज़ मैंने अपना चेहरा वीडियो से मोबाइल से दूर किया था। वही बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर आपके मोबाइल के अंदर से आपका जो फेस है वो गायब हो गया, फॉर एग्जांपल ऐसे अगर आपका फेस गायब हो गया तो बैकग्राउंड बिल्कुल बिल्कुल साफ दिखा देगा, लेकिन जैसे आपके चेहरे को फोकस करेगा ना बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर कर देगा। आई होप गाइस आपको ये ट्यूटोरियल मेरा बड़ा ही अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो में क्या करेंगे क्या नहीं वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रहा हूं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते जाइए गाइस एंड आई होप आपकी वीडियो पसंद भी आएगा। तो आपको अब सिंपली बैक आ जाना है, इस वीडियो को कर लेना है सेव आपके मोबाइल के अंदर, उसके बाद आप जाएंगे अपने काइनमास्टर के अंदर, जो भी आप काइनमास्टर या पावर डायरेक्टर यूज़ करते हैं आप नॉर्मली उस ऐप को ओपन कर लेंगे। इसके बाद आप एक नया प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे, उसके अंदर नया प्रोजेक्ट चूज़ करने के बाद ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप यहाँ पे मीडिया पे चूज़ करेंगे एंड उसके बाद आप रिकॉर्ड मास्टर को चूज़ करेंगे और जो आपने वीडियो रिकॉर्ड की थी आप उस वीडियो को भी यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड जो की थी उसको यहाँ पे, सॉरी ये तो मेरी अभी वो रिकॉर्डिंग है जो मैंने, हाँ सही है शायद, अब इसको मैं करूँगा रोटेट। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं रोटेट एंड मिररिंग का, तो मैं यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये ऐसी वीडियो आ गई है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो को करूँगा क्रॉप एंड क्रॉप के अंदर मैं दोनों को कर दूँगा बराबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं इस वीडियो के अंदर इस पूरे पार्ट को हाइड कर दूँगा और केवल इस पार्ट को बचाऊँगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यार कि जो मैंने वीडियो बनाया ना उसका बिल्कुल DSLR जैसा इफेक्ट आ रहा है। और आप यहाँ पे अपनी ऑडियो क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, वीडियो को फुल एडिट कर सकते हैं और आपका जो 1.5 लाख का काम था यार, जो महंगे कैमराज आते हैं उनका काम मैंने आपको सस्ते में करके दिखाया। और आप मेरे को ये बताइए यार कि आपको क्वालिटी कैसी लगी वीडियो की। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो यार अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मतलब यार बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ लेके आने के लिए। तो बस इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता गाइस यार, बस अब मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। मेरे को तो ट्रिक इतनी मस्त लगी ना कि यार बस बूझो मत, एंड बस इससे ज़्यादा मैं कुछ शब्द आपको नहीं कह सकता। और गाइस लास्ट टाइम पर जब वीडियो ख़त्म होने वाले तब भी मैं आपको यही बात कहूँगा कि यार अभी वीडियो को जो है ना लाइक कर दीजिए यार, वीडियो बड़ी अच्छी लगी मेरे को। तो यार मैं अगर होता तो इस वीडियो को, अगर मेरे पास 10 ऑप्शन होते तो मैं 10 बार लाइक कर देता। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ यार, इसके अंदर मेरे को बहुत मेहनत लगी यार गाइस, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो बस यार और कुछ नहीं कहना चाहता मैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना यार। और बस कोई भी सुझाव हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, और अगर आपके फ़ोन में पोर्ट्रेट मोड एक्टिवेटेड नहीं है तो मैं जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। तो बाय बाय गाइस, सी यू सून, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त हवा सिंह लेकर आता हूँ एक जल्दी ही आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियो। तो गाइस बाय बाय एंड सी यू सून।